विश्व भर के बाल मजदूर विरोध दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत बाल मजदूर विरोध महकमे की मैंबर दिव्या गुप्ता की अगवाई के छापेमारी करके 70 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत जिन्हों फैक्ट्रिया के इन्हों बच्चों छुड़वाया गया उन्होंने कार्रवाई करने की भी गल आखी। उन्होंने कहा कि लुधियाना वर्गे शहर के अंदर लोग पढ़े लिखे ने, इसके बावजूद भी बाल मजदूरी वधावा मिल रहा है, जदों की इस समाज विरोधी करोपी नू दूर करने के लिए सानू सारिया नू सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी साडे समाज के खिलाफ है, उत्थे साडे बच्चों के अधिकार अते उन्हां दी सिख्या दे विच अड़चन भी पाउंदे ने। उन्होंने कहा कि सानू आप मूहरे होके इस ते रोक लगाउणी चाहीदी है ते बच्चों की मदद करनी चाहीदी है। तो आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे थी और हमारे भी बहुत खुशी की बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये एक सच्चाई है कि ये अभी भी प्रचलित नहीं, अभी भी चरखा है और इसके अगेंस्ट एक बड़ी मुहिम चलाना बहुत जरूरी है। जब तक आम जनता या आम लोग इस बात को लेकर सचेत नहीं होंगे कि हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद होता है, सभ्य समाज के लोग करते हैं। ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि जो लोग नहीं करने चाहिए, पढ़े लिखे हैं, जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन वो भी इस प्रचलन को, इस प्रथा को आगे बढ़ा चाहिए, ये सबसे बड़े दुख की बात। क्या लगता है मैम, लगातार चाइल्ड से तो ये सब का व्यायाम तो हुआ जाता है, तो बड़ी तादाद में लुधियाना जैसे तहसील तो लुधियाना में कहा जा सकता है कि बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो चाहिए पता है। देखिए, लुधियाना शुरू से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, हब है होजरी का। यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जहाँ होजरी का काम बताए। जो मुझे अमूमन एक बात पता चले कि कुछ बिहार और कुछ ईस्टर्न यूपी से हमेशा यहाँ पर बच्चे बसों में भर भर के लेकर आते हैं और चाइल्ड लेबर की तरह वो यूज करा जाता है। वो बॉन्डेड लेबर है या नहीं, लेकिन चाइल्ड लेबर है और इसी की टिप मिले थी हमें, और हमने बहुत इमरजेंसी में आज ये एक नई गलती, क्योंकि अगर हम इसको सीक्रेट ना रखते तो हो सकता है अभी भी हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम पहुंचे तब तक कुछ बच्चों को खड़ा दिया गया। अब उसमें शासन प्रशासन का हाथ होना इसकी वाजिब मैं मानती हूँ, क्योंकि हमें संभवतः क्योंकि हमें बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं मिला और हमें बहुत रेजिस्टेंस मिला उनकी तरफ से, जहाँ सरकारी अमला जमला हमारा साथ नहीं दे रहा था, कहीं कहीं तो ऐसा लगा कि बाधा बन रहा था और हमारे काम में अड़चन डाल रहा होगा, जबकि उन्हें पता था कि ये नेशनल कमीशन है और नेशनल कमीशन के साथ बाधा डालना अपराध हो सकता है। लेकिन फिर भी आज बहुत नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हमने देखा, जहाँ पे पुलिस और जो प्रशासन था उनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो जिनके जहाँ जिन फैक्ट्रीज में पाए गए उनका तो हम मानते हैं उनको तकलीफ होगी, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से नहीं होनी चाहिए कुछ शॉर्ट पार्ट। क्या लगता है कितनी कितनी तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि बच्चों का फ्यूचर क्या रहता है। तो बच्चों को हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हम पहले प्रस्तुत कर दे, ये वहाँ पे उनका सारा का सारा लेखा जोखा देते हैं, फिर उसके बाद उनको हम पूरा डिटेल लेने के बाद एक CCI होता है, CCI ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हम उनको बिल्कुल अच्छे से रखते हैं, खाना पीना रहना सब सरकार की तरफ से होता है। फिर उनकी पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करा जाता है, पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करने के बाद जो बच्चा जिस गांव का है जिस जगह का है वापस उसको पहुंचाने तक का काम सरकार का काम होता है, ताकि बच्चा वापस जाए। हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करें, उसको एक कुछ मानदेय भी दिया जाता है, देयर इज एन अमाउंट दैट इज गिवन, और वो अमाउंट जो होता है उसके बच्चे के खाते में डलता है। तो ये बहुत बड़ी एक आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि हम उसका फॉलो अप कैसे करते हैं। तो बच्चे सिर्फ रेस्क्यू नहीं होते, रेस्क्यू होने के बाद उनकी एजुकेशन, उनकी स्किलिंग, वापस उनके माता पिता के साथ उनको भेजना और माता पिता की भी काउंसलिंग करना, ये तक हमारा काम होता है, जिसको हम एक लंबी एक साल तक की फॉलोअप में हम टोटल कितने बच्चे रिकवर किए और ज्यादातर कहाँ से रिकवर किए हैं। आज हमने 75 के ऊपर है हमारे पास आज का काउंट, और हमारी तरफ से ये अभियान सफल रहा, लेकिन फिर मैंने कहा कि दुख की बात थी कि बच्चे अभी भी इन गाँवों में अकेले जाना फैक्ट्रियों से 10 साल से, आप इमेजिन कर सकते हैं एक 10 साल का बच्चा भी एक लेवल की तरह काम कर रहा है।
10 साल से 17 साल की उम्र के बच्चों को भी उनके सामना क्या करेगी, उनकी खिलाफ कुछ नहीं है, वो तो बेचारे बच्चे हैं, जो फैक्ट्री है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और वो उसके खिलाफ। तो आपने बोला पुलिस की कोऑपरेशन नहीं दी जी, कैसे हम उसको FIR जब तक नहीं हो जाती तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता। हमारी टीम पूरी की पूरी बैठी है, नेशनल टीम बैठी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पूरी की पूरी बैठी है, जब तक FIR नहीं होगी, वो FIR करने में भी रेजिस्टेंस आती है, लेकिन हम भी ठीक हो जाते हैं और हम जब तक उसकी FIR नहीं होती तब तक हम ऐसे नहीं करेंगे। अभी तो आज के लिए इतना इसके था क्योंकि फिर इसके बाद खबर फैल जाती है, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, इनके आपस में तंत्र है कम्युनिकेशन का, फिर वो हमको सरप्राइज वोजेप नहीं मिलती हो तब तक बच्चे भाग चुके होते हैं। हम अब फिर वेट करेंगे, फिर एक सरप्राइज एलिमेंट जब तक तैयार बच्चों को भी समझाया जाता, बच्चों को समझाया जाता है, काउंसलिंग करी जाती है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा था इस तरफ जो आज हमने बच्चे रेस्क्यू करे वो ड्रग्स की भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही थी, लेकिन अब तो अब तहकीकात होगी तो फिर उसकी बात समझ में आएगा कि क्या हुआ।